दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है सुशांत सिन्हा। आप सभी जानते हैं बहुत बड़े पत्रकार हैं और बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं। इनकी बात हम क्यों कर रहे हैं बताता हूं आपको। दोस्तों उससे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। बातें ये हैं कि जब भी किसी देश के नेता या देश की सरकार अगर भ्रष्ट हो जाए या कोई नेता भ्रष्ट हो जाए तो होता क्या है, उस देश का विकास रुक जाता है, उस देश का विकास पूरी तरीके से रुक जाता है, उस देश के अंदर गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है और साथ में देश का कहीं ना कहीं बुरा हाल हो जाता है। और ऐसा बहुत कुछ देखने को भी मिला। अभी आपको पता है श्रीलंका में क्या हालात हुए थे। उसके साथ ही जब किसी देश का पत्रकार बिक जाए या पत्रकार सरकार की वंदना करने लगे और चाटुकार बन जाए, उस देश में भी उस देश का, मैं तो सीधा सीधा ये कहूंगा कि उस देश का बेड़ा गर्क होने से भी कोई नहीं रोक सकता। जिस देश के पत्रकार अपनी ईमानदारी छोड़कर चाटुकारिता करने लग जाए, उस देश के बेड़ा गर्क तो होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, बताता हूं आपको। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं IIT BHU के वाराणसी की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, जिसके दोषी तीन जो दोषी थे कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल, ये तीनों आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। इन तीनों के अंदर सबसे खास बात यह है कि ये तीनों के तीनों बीजेपी IT सेल के कार्यकर्ता हैं। ये बीजेपी IT सेल से जुड़े हुए हैं ये तीनों के तीनों। और बलात्कार करने के बाद, सामूहिक बलात्कार करने के बाद, ये तीनों मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए चले गए थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा दुष्कर्म करने के बाद लगभग 60 दिनों बाद इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। ये अपने आप में बड़ी एक शर्म करने वाली बात है। और उससे भी बड़ी शर्म करने वाली बात यह है कि इतने बड़े एक घटना घटी है जिसको लेकर किसी भी मीडिया में, किसी भी TV चैनल पर इसको कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। उसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि ये तीनों के तीनों BJP से जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी फोटो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। और फिलहाल इनको पुलिस ने पकड़ लिया। अब आगे क्या होता है वो तो एक समय बताएगा, कोर्ट बताएगी। और वैसे सुनने में अभी खबर ये भी आई है कि फिलहाल इन तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खैर दोस्तों, ये तो एक घटना थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। इस घटना से भी बड़ी जो चीज है मैं आपको वो भी बताता हूँ जो इसी घटना से जुड़ी हुई है। और हमने शुरू में बात की थी सुशांत सिन्हा जी की, वो बात क्यों की थी अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरी सामूहिक बलात्कार को लेकर सुशांत सिन्हा ने एक पोस्ट डाली है और वो पोस्ट ऐसी है जिससे साफ पता चल रहा है कि ये किस तरीके से BJP के पक्ष में ये लिख रहे हैं। जबकि इस पूरे घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, BJP और योगी आदित्यनाथ पर खूब सवाल उठाए गए हैं, परंतु इन जनाब ने जो ट्वीट करा है उस ट्वीट के बाद ये खुद भी बहुत बुरी तरह से ट्रोल हुए हैं। और वो क्या ट्वीट है मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जैसे BJP से जुड़े होना या बड़े नेताओं के साथ फोटो होना IIT BHU के अपराधियों को पकड़े जाने के बीच नहीं आया, वैसे ही अब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिलना भी बहुत जरूरी है। लड़के हैं, गलती हो जाती है कि मानसिकता से निकल रही यूपी के लिए एक बड़ा मैसेज तो इसके साथ जाएगा ही। साथ ही आप किसी भी पार्टी या वर्ग से हो, अपराधी के लिए जगह एक ही ये है, ये मैसेज भी जाएगा। तीनों लड़कों की सजा सिर्फ सजा नहीं, मैसेज होना चाहिए ताकि हर लड़की सेफ महसूस करे। दोस्तों इन जनाब ने जो पोस्ट किया है बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये BJP के पक्ष के लिए लिखा गया है। खैर अब इन्होंने ये किस मानसिकता से लिखी है वो तो यही बता सकते हैं, परंतु इस ट्वीट के बाद लोगों ने जमकर इनको ट्रोल किया है और बहुत सारे इनके लिए ट्वीट आए हैं। वो क्या ट्वीट है वो भी आपको दिखाते हैं, परंतु उससे पहले मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपने एक बार भी क्या ये पूछना जहमत समझी कि इन तीनों अपराधियों को पकड़ने में 60 दिन क्यों लगे और 60 दिन तक मीडिया ने कवरेज प्रॉपर पूरे तरीके से क्यों नहीं करी? आप यकीन नहीं मानेंगे, इस बिटिया का जब बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद बकायदा वहाँ जो IIT BHU के जो छात्र थे उन्होंने प्रदर्शन किया है और खूब धरना प्रदर्शन हुआ जमकर। उसके बाद कहीं जाकर जब पुलिस का पर दबाव आया तब जाके इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। लोग तो कहने को ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव थे और चुनाव पर इसका असर ना पड़े इसलिए इन तीनों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। खैर फिलहाल हम आपको ये बताते हैं
जब ट्विटर पे इन्होंने सुशांत सिन्हा जी ने जब ये पोस्ट डाली तो लोगों ने उनको किस तरीके से ट्रोल किया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, सुशांत जी आप गलती से यह लिखना भूल गए कि बलात्कार करने के बाद इन अपराधियों को अरेस्ट करने में 60 दिन का समय लग गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसलिए अरेस्ट नहीं किया ताकि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की छवि ना खराब हो। कोई बात नहीं पत्रकार जी, गलती हो जाती है। ये एक पोस्ट ट्विटर यूजर ने डाला है। उसके बाद एक अलग अन्य ट्विटर यूजर ने एक पोस्ट लिखा, उस पर लिखा उन्होंने, अपराधी चाहे किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, वो बस एक अपराधी होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अपराधी का कोई धर्म कोई जाति नहीं होता, वो सिर्फ एक अपराधी होता है और उसको एक एक अपराधी की तरह ही एक मानकर उसके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। उसका पक्ष लेना गलत है सही है ये न्यायालय बताएगा, इसका फैसला हम लोग नहीं कर सकते। परंतु इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि लड़के हैं गलती हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह की मानसिकता सिर्फ उन्हीं लोगों के दिमाग में होती है जिनके घर में बहन बेटियां नहीं होती, क्योंकि जिनके घर में बहन बेटियां होंगी वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं लिखेंगे कि लड़की है लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। खैर दोस्तों, एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, अपराधी चाहे बीजेपी से जुड़ा हो या कांग्रेस से जुड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपराधी बस अपराधी होता है। बिल्कुल सही बात है। एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा कि नव वर्ष में कुछ बदलाव तो बदलाव का सोचा है, क्योंकि चमचागिरी अभी भी झलक रही है, 60 दिन तक कहते ज्ञान आपने नहीं दिया। तो ये बिल्कुल सही बात है। एक अन्य ट्विटर यूजर ने बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा है और मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस पर इन्होंने लिखा है, हे चाटुकार, बात बीजेपी के नेताओं और बीजेपी से जुड़े पदाधिकारियों की नहीं है। 1 नवंबर की घटना हुई, 3 दिन से पुलिस ने सीसीटीवी 3 दिन में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के बयान पर अपराधियों की पहचान कर ली। आरोपी छात्र के विरोध प्रदर्शन के डर कर मध्य प्रदेश चले गए थे, पर भाजपा का प्रचार चल रहा था। जब उत्तर प्रदेश पुलिस को पता चल चुका था कि अपराधी कौन है, फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मध्य प्रदेश में जाकर गिरफ्तारी क्यों नहीं की? इसका मुख्य कारण यही था कि उस समय गिरफ्तारी हुई तो चुनाव प्रचार पर फर्क पड़ता, इसलिए शायद पुलिस को रोका गया। अब इसका जवाब तो पुलिस के अधिकारी ही दे पाएंगे, आखिर किसने उनको रोका था? तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये लोग बीजेपी से जुड़े थे और इस बात का ये लोग ग्रांट भी ले रहे थे, और कहीं ना कहीं इनकी गिरफ्तारी जो लेट हुई है शायद उसका कारण ये भी हो सकता है कि ये बीजेपी में थे। अब ये एक जांच का विषय है कि जब आरोपियों की पहचान 3 दिन बाद हो गई थी तो इनको गिरफ्तार करने में 60 दिन क्यों लगे, जबकि इतना गंभीर एक मुद्दा था, एक लड़की की इज्जत के साथ इन लोगों ने खेला, उसको बेइज्जत किया, ठीक है, उसका बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया। ऐसे लोगों की तो गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए थी अगर उनकी शनाख्त हो चुकी थी। खैर, एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा कि सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद 7 दिन के अंदर पुलिस ने पहचान लिया था आरोपियों को, किसके दबाव में उन्हें पकड़ा नहीं, पुलिस में पहचान लिया उसके बाद भी किस पार्टी का प्रचार किस पार्टी की मीटिंग में घूमते रहे। दोस्तों, कहीं ना कहीं लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी से जुड़े हुए थे और इसीलिए पुलिस ने इनको देर से पकड़ा और इसीलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई। वो स्टूडेंट के धरने में पुलिस को मजबूर किया, नहीं तो यह कभी पकड़ में नहीं आता। और बिल्कुल सही बात है कि पुलिस के लिए बकायदा वहां धरना प्रदर्शन हुआ, लोगों ने खूब जमकर रोड पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया, तब जाके पुलिस के ऊपर दबाव बना, उसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। तो दोस्तों, ये है सुशांत सिन्हा जी का एक जो ट्वीट जिसके ऊपर एक सोशल मीडिया पे एक अलग ही लड़ाई चल रही है। और मैं ये कहता हूँ कि एक जो पत्रकार है वो अगर अपना ईमानदारी से काम कर ले और सरकार से सवाल पूछ ले, जितने भी टीवी चैनल है, मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी के ऊपर दबाव बनाओ या किसी और पार्टी के साथ मिलकर उस पर दबाव बनाओ, ऐसा नहीं है। हमारा काम है सच दिखाना और सच तक पहुंचना। कम से कम हम बीजेपी के जो जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम उनसे ये तो पूछ ही सकते हैं कि भैया 60 दिन गिरफ्तारी में क्यों लग गए जबकि 3 दिन के अंदर उनकी शनाख्त हो चुकी थी, और मध्य प्रदेश में जाकर गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाए 60 दिन के अंदर। बीजेपी के लोग जुड़े थे तो बीजेपी से जुड़े थे तो क्या बीजेपी के लोगों का, खासतौर से योगी जी का या प्रधानमंत्री मोदी जी का, इसके ऊपर कुछ ना कुछ हस्तक्षेप होना चाहिए कि भैया बीजेपी के कार्यकर्ता थे
मैं इस बात को मानता हूं कि किसी भी पार्टी से जुड़े होना या किसी भी बड़े नेता के साथ फोटो खिंचवाना कोई अपराध नहीं है। किसी पार्टी के साथ अगर कोई अपराधी जुड़ जाता है तो इसमें उस पार्टी का कोई दोष नहीं है, उस नेता का कोई दोष नहीं है, परंतु इनका फर्ज बनता है क्योंकि ये लोग इनकी पार्टी से जुड़े हुए थे। ये लोग भी बीजेपी के लोग, बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के बड़े नेता इसमें अगर सामने आते और इनके खिलाफ कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई करते तो शायद आज जनता सोशल मीडिया पर इनसे सवाल नहीं करती। खैर, हमारा काम है सवाल करने का, हम करते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि किसी बेटी को न्याय मिल सके। धन्यवाद।